कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, ऐसी ही प्रतिभा की धनी है इलाहाबाद की 19 वर्ष की एक लड़की जो अपने पहले उपन्यास से ही चर्चा में है। जी हां, खास बात यह है कि इस उपन्यास को मिला है बेस्ट नेशनल सेलर का खिताब। यह है इलाहाबाद की युवा लेखिका रीमा धर, जो महज 19 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी उपन्यास टिल वी मीट अगेन से सुर्खियों में है। उपन्यास प्रकाशन के पहले संस्करण की सभी 5000 प्रतियां हफ्ते भर के भीतर ही बिक गईं, और यही नहीं, इस उपन्यास को मिला है बेस्ट नेशनल सेलर का खिताब। इस उपलब्धि से लीमा काफी खुश है। इसमें बेस्ट सेलर हो गया ये, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि शायद सबसे कम उम्र में बेस्ट सेलर हुआ है, तो सबसे खुशी ये हो रही है कि लोग जैसे 30-35 साल की उम्र भी लिख के एक मुकाम हासिल करने में बहुत तकलीफ होती है, बेस्ट सेलर कब होगा, पर ये पहली नॉवल है, पहला ही फिक्शन है और उसमें बेस्ट सेलर हो गया, तो बहुत खुशी हो रही है। लीमा का कहना है कि ये उपन्यास एक प्रेम कहानी है जिसमें आम आदमी अपने को पाता है, यही नहीं, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे भी हैं इसमें। इसकी थीम सेक्स नहीं है, फिजिकल लव नहीं है, फिजिकल लव हमेशा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ये प्लेटोनिक लव के ऊपर है, जो आत्मा से प्यार होता है उसके उसकी लव स्टोरी है, और इसमें सोशल इश्यूज के साथ भी डील किया गया है, जो कि आम लोगों की जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, और लोगों की जिंदगी से प्यार खो जाता है, तो प्यार को कैसे पाया जाए, और अगर प्यार को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि हालात हमेशा एक बराबर हो, उसके जिंदगी के रुक जाने के बाद भी हमारे साथ हादसे होते हैं, जिंदगी के रुक जाने के बाद भी प्यार हो सकता है। इस उपलब्धि के लिए लीमा अपने पिता को श्रेय देती है। उसके पिता भी बांग्ला के लेखक हैं। लीमा के पिता को अपनी बेटी पर गर्व है। एक्चुअली क्या है, मतलब शुरुआत से जो इनकरेजमेंट होना चाहिए हम लोगों के घर पे नहीं होता है, दाब दिया जाता है, धकेल दिया जाता है कि इंजीनियरिंग दौड़ो, ये मेडिकल में दौड़ो, एक बच्चे के ख्वाहिश जो रहता है, सपना जो रहता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है, तो हम लोग पहले से लीमा को उसी ढंग से तैयार किया है। लीमा ने 3 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। 13 वर्ष की उम्र में उसका हिंदी में पहला काव्य संग्रह कुछ लफ्ज नकाब में, और 16 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी काव्य संग्रह फॉर द 100 टुमारोज आया। लीमा का अगला उपन्यास मॉम एंड आई लव अ टेररिस्ट इस साल अक्टूबर तक आ जाएगा। AIEEE में सिलेक्शन होने के बावजूद लीमा लेखन को अपना शौक बनाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में स्नातक कर रही है। लीमा को 2011 और 2012 में 2 बार हिंदुस्तान टाइम्स वीमेन अचीवर अवार्ड मिला है, जिसे इस वर्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदान किया। छत्रपति शिवाजी, सहारा न्यूज ब्यूरो, इलाहाबाद।